हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि IIM रायपुर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर से आउट की गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी का तकरीबन क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके पास IIM रायपुर की वेबसाइट ओपन होके जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको IIM रायपुर एक अग्लिम्स में करियर सेक्शन में क्लिक करने के बाद वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ करंट पोजिशंस में नॉन फैकल्टी पोजिशंस में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होके आ जाएगी। यहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हैं। 7 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसे आपको ऑफलाइन भी सेंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं डिटेल्स में क्या डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। क्राइटेरिया एंड जनरल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। यहाँ पर वैकेंसी नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर नॉन टीचिंग में -13 दिया गया है। पोस्ट में है प्लेसमेंट कंसल्टेंट में। यहाँ पर लेवल 11 की सैलरी है। सीनियर एडमिशन ऑफिसर के लिए लेवल 11 है। फिनांस एंड अकाउंट्स के लिए यहाँ पर लेवल 10 की सैलरी है। सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए लेवल 8 है। जूनियर इंजीनियर के लिए लेवल 6 है। सिस्टम असिस्टेंट के लिए लेवल 4 है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए लेवल 4 है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 4 है। स्टेट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर भी लेवल 4 की सैलरी है। यहाँ पर सभी पोस्ट में 1-1 वैकेंसी है। सिस्टम असिस्टेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए ओनली 2 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। कैटेगरी वाइज बिकअप भी यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दोनों पर यहाँ पर दी गई हैं। तो हम देख लेते हैं क्या डिटेल्स मांगी गई हैं। प्लेसमेंट कंसल्टेंट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही फिल किया जा रहा है। यहाँ पर आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। यहाँ पर शुरुआत में आपके MBA HR मांगा गया है एंड 10 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए रेगुलर पोजीशन की वैकेंसी है। यहाँ पर PG डिग्री मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ में, साथ ही 5 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और पोस्ट हैविंग इट्स ग्रेड पे 5400 पे मांगा गया है। साथ ही आपका 55 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 11 की सैलरी यहाँ पर मिल रही है। फिनेंस एंड अकाउंट्स यहाँ पर भी रेगुलर पोजिशन के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर आपके पास BCOM के साथ में CA CMA मांगा गया है। साथ ही 7 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कोर अकाउंटिंग एक्सपीरियंस सेंट्रल या स्टेट PSU में मांगा गया है। लेवल 10 की सैलरी है। 50 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत में रहेगा, बाद में परफॉर्मेंस को देख के आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ में, साथ ही 15 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एकेडमिक रेफर में। 45 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जूनियर इंजीनियर मिले, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। शुरुआत में आपके 11 मंथ की यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, बाद में उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर डिग्री या 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, साथ ही 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है आपका सिस्टम असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर 2 पोस्ट है। यहाँ पर आपके पास BE CS IT में है या BTEC CS IT में है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, साथ ही स्पेशलाइजेशन आपके पास BCA में है या BSc कंप्यूटर साइंस या IT में है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। 35 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी शुरुआत में आपका कॉन्ट्रैक्ट 11 मंथ का रहने वाला है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में मांगा गया है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है। यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है आपका स्टेट असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ मांगा गया है, साथ ही मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस स्टोर डिपार्टमेंट रिकॉर्डिंग क्लिपिंग या फील्ड सुपरवाइजर में मांगा गया है। इन सभी पोस्ट के लिए 11 मंथ की आपकी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। 35 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं। आप SC ST तो 5 ईयर है, NC OBC के लिए 3 ईयर है एंड PWD को उनकी कैटेगरी के हिसाब से एज में यहाँ पर छूट दी जा रही है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। 28 सितंबर ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट को अप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल के अपने सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ में
आपको ऑफलाइन भी सेंड करना है जिसे रजिस्टर्ड कोड या स्पीड कोड से सेंड कर सकते हैं। आपके एनवेलप पे सबसे ऊपर में लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड इन IIM रायपुर। एड्रेस है द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर नियर विलेज छेरिया कोंटा PO कुर्रू अवनानपुर अटल नगर रायपुर 4936 छत्तीसगढ़ पे आपको सेंड करना है। 5 अक्टूबर ऑफलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके उसे 28 सितंबर 2022 से पहले सबमिट कर देना है। आप यहाँ रजिस्टर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।